इस वीडियो में मेनली कवर करेंगे कैटलिस्ट टेस्ट। कैटलिस्ट टेस्ट क्या होते हैं, इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, प्रोसीजर क्या है, और इसके रिजल्ट में कौन कौन से बैक्टीरिया पॉजिटिव है और कौन कौन से निगेटिव शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो बैक्टीरिया में एक एंजाइम होता है कैटलेज, जो जब H2O2 के प्रेजेंस में आएंगे तो ये H2O और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। ठीक है, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होंगे इन्हीं के कारण बबल प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और जो बबल प्रोड्यूस होंगे इसी के बेस पे हम पॉजिटिव कैटलेज टेस्ट देंगे और निगेटिव। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद हम देखते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या करेंगे, तो प्रोसीजर में सबसे पहले एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेंगे। ठीक है, और जिस पे हम 3% H2O2 इस पे हम 1 ड्रॉप डालेंगे। ठीक है, और 1 ड्रॉप H2O2 डालने के बाद हम इसमें बैक्टीरियल कॉलोनी वन लूप बैक्टीरियल कॉलोनी वन लूप या कवर स्लिप की हेल्प से भी हम इस टेस्ट को कर सकते हैं। तो इसको जब हम इसमें बैक्टीरियल कॉलोनी डालेंगे तो ये बबल प्रोड्यूस करेंगे। अगर बबल प्रोड्यूस किए इसका मतलब ये टेस्ट मेरा पॉजिटिव है, बबल प्रोडक्शन। तो हम इसको सबसे पहले बबल प्रोड्यूस किए इसका मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, अगर बबल प्रोड्यूस नहीं किए, ठीक है, डू नॉट प्रोड्यूस बबल देन निगेटिव है। ठीक है, तो अगर बबल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब कैटलेज टेस्ट में ना पॉजिटिव है, अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब निगेटिव है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये तो होगा प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर की एक क्लीन स्लाइड लेंगे, क्लीन स्लाइड पे हम H2O2 जो 3% होंगे उसको हम डालने के बाद हम या तो लूप के हेल्प से या तो कवर स्लिप के हेल्प से भी हम इस टेस्ट को कर सकते हैं। कवर स्लिप में या लूप में लेने के बाद हम इसमें H2O2 के साथ उसे डालेंगे तो बबल प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अगर बबल प्रोड्यूस किए तो पॉजिटिव है, अगर बबल प्रोड्यूस नहीं किए तो निगेटिव है। ठीक है, अब देख रहे थे कौन कौन से बैक्टीरिया मेरा बबल प्रोड्यूस करते हैं, पॉजिटिव होते हैं या निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम रिजल्ट में पॉजिटिव कौन कौन से बैक्टीरिया शो करते हैं। ठीक है, तो एस्टेफाइलोकोकस हो गए, माइक्रोकोकस हो गए और बैसिलस। ठीक है, और इसके अलावा भी इंटेरोबैक्टेरियासी के सभी मेंबर, जितने भी ऑल मेंबर होंगे, ठीक है, बट ये को छोड़कर जिसका नाम है सीजेला डिसेंट्री टाइप 1। ठीक है, सभी प्रोड्यूस करेंगे बट एक सीजेला डिसेंट्री है जो कि नहीं प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, बबल, तो ये इसमें का जितने भी है वो पॉजिटिव शो करेंगे एक्सेप्ट सीजेला डिसेंट्री टाइप 1। ठीक है, अब हम देख लेते हैं निगेटिव कौन कौन से शो करते हैं। तो निगेटिव में देखते हैं कि ये निगेटिव में सीजेला डिसेंट्री टाइप 1 हो गए, स्ट्रेप्टोकोकस हो गए और क्लोस्ट्रिडियम, ये निगेटिव शो करेंगे। ठीक है, अब हम ये तो हो गए पॉजिटिव कौन कौन से शो करेंगे, निगेटिव कौन कौन से शो करेंगे, लेकिन मेनली हम जो माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम इसका यूज करते हैं तो वो जो हम यूज करते हैं इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं किस में, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस में। ठीक है, तो ये दो के बीच में डिफ्रेंशिएट शो करता है। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस जो है वो पॉजिटिव शो करता है और स्ट्रेप्टोकोकस है जो निगेटिव शो करता है। ठीक है, तो ये थे कैटलिस्ट टेस्ट के बारे में, पूरा रिजल्ट के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।